आप लोग के लिए स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के नेक्स्ट वीडियो को देखें, ठीक है, जो कि वीडियो नंबर आपका 13 होने वाला है या लेक्चर नंबर 13 होने वाला है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर काफ़ी सारे लोड लगा के रखे थे, पॉइंट लोड लगा के देखा था, यूनियन लोड को भी लगा के मैंने काफ़ी सारे मेथड्स करवाए थे, ठीक है ना। तो अब उसी वीडियो लेक्चर में इसी वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ पे कुछ और भी मेथड्स हैं जिनको स्टडी करेंगे, ठीक है। क्योंकि सी एफ फोर्स बिल्डिंग मूवमेंट डायग्राम में न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इन सारी तरह की चीज़ों में न्यूमेरिकल्स वैल्यू काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखने योग्य हैं। और इस चैप्टर में सी एफ फोर्स बिल्डिंग मूवमेंट में न्यूमेरिकल भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो हम आते हैं अपने एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे और देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। तो मैं न्यूमेरिकल नोट कर लेता हूँ। ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अभी पीछे मैंने नाम तक करवाया हो, 5 या 6 7 जो भी न्यूमेरिकल हो, ये उसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। और जो बाकी की बस्ती है ये आपका 11 यूनिट है, बाकी जो भी है आपके 11 यूनिट। ये पॉइंट आपका बी है, ये पॉइंट आपका ए है, इसको मान लेते हैं सी। इस पे जो लोड लग रहा है वो लोड आपका 4 किलोन्यूटन पर मीटर का है। हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो किसी फोर्स को यहाँ पे जीरो करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो
तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, पॉइंट ए पे या पॉइंट बी पे हम क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट के बॉटम मोमेंट लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, लेट हम क्या करते हैं, बी पे हम क्या करते हैं, बी के वॉट मोमेंट को लेते हैं। तो आपको बताया था जब भी किसी पॉइंट के वॉट मोमेंट लेते हैं तो उस पॉइंट से जो बाकी के फोर्सेस हैं या बाकी के जो मोमेंट्स हैं उनका हम क्या लेते हैं, उनका हम वहाँ से मोमेंट लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी पॉइंट से जो हमारे ए पॉइंट का डिस्टेंस है वो कितना है, टोटल 60 मीटर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आर ए मल्टीप्लाइड बाई 60, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आर ए, आर ई हमारा वोल्ट है और ई स्पीड में लग रहा है, ये क्या देगा, ये हमको क्लॉक वाइज डायरेक्शन देगा, जिसको हम क्या लेते चलेंगे, क्लॉक वाइज डायरेक्शन या पॉजिटिव डायरेक्शन, या फिर क्या हो जाएगा, सैगिंग हो रहा है, सैगिंग को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन। दूसरा क्या है, दूसरा आप दे सकते हैं, ये हमारा जो लोड है जो हमारा यूरिया है, यूरिया भी क्या करेगा हमारा इसके एक मूवमेंट बना रहा है, इसकी वजह से जो लोड लगेगा वो क्या हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी माइनस 4 × 5, ये हमारा क्या हो गया, अभी 4 × 5 यूरिया को हमने क्या किया, लोड में कन्वर्ट कर दिया। अब इस लोड का क्या करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेंगे, तो जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेते हैं क्या करते हैं, जो भी हमारा यूरिया का डिस्टेंस लग रहा है उसको बाई 2 कर देते हैं, तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितनी है, 5, यहाँ क्या हो जाएगा, 2.5 × 5 और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन निगेटिव होगी, क्योंकि आप इसे देख रहे हैं ये बीम है और बीम के ऊपर ये क्या है, यूरिया कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक, तो ये क्या करेंगे, ये बीम को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हॉप कर रहा है, बीम को हॉप कर रहा है। ठीक है, तो हॉप के केस में क्या करेंगे, निगेटिव देखिए, तो इस तरह हमारा यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, आर ए की वैल्यू को काफ़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं 16 × 4 × 5 × 5 × 2, ये 2 टाइम में कट जाएगा, ठीक है, से ये कट जाएगा 8 टाइम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 8 × 4 आर ए की वैल्यू हमको मिल जाएगी 25/8 आर ए की वैल्यू हमको मिल जाएगी। आर ए की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 3.125। आर ए की वैल्यू आ रही है 3.125। यहाँ से आर ए की वैल्यू, जब आर ए की वैल्यू मिल जाएगी तो हम इस हाथ क्या करेंगे, इसके हेल्प से आर बी की वैल्यू निकालेंगे, आर बी की वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे, 20 में से 3.125 को माइनस कर देंगे, तो जो रिमेनिंग हमारा वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 16.87। यहाँ तक आपको नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे बताऊंगा, यहाँ तक आपको नोट डाउन करिए। यहाँ से इसकी वैल्यू आ रहा है 3.85।
आता है बेंडिंग मोमेंट। सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट हम किस पॉइंट पे देखते हैं, बी पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, क्या बी पे कोई भी लोड होता है? हाँ लोड तो है लेकिन कोई भी डिस्टेंस नहीं है, यहाँ कोई भी कपल नहीं वर्क कर रहा ना तो कोई मूवमेंट वर्क कर रहा, तो बी पे हमारा क्या हो जाएगा, बी पे हमारा जीरो किलोमीटर प्रति घंटा।
3.125 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 3.125 मल्टीप्लाइड बाय x, तो x को हम कॉमन ले लेते हैं, वैल्यू हमारी आ जाएगी 16.875 प्लस 3.125 इज इक्वल टू 3.125 मल्टीप्लाइड बाय 5। यहाँ से आप x की वैल्यू का फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू हमारे कुछ आ जाएगी 0.78 125। ये हमको x की वैल्यू मिली है, ठीक। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा c का जो मोमेंट मिला है 34.375 का, a का जो मोमेंट है 0 है, मतलब जो हमारा g का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वो ऑटोमेटिक 34.375 से अधिक होना चाहिए, तभी हमारा रिजल्ट क्या होगा, तभी हमारा रिजल्ट सही हो सकता है। तो हम आते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम जी पे लेते हैं, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को जी पे, जी पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आ जाएगा हमारा रिएक्शन 3.125 मल्टीप्लाइड बाय टोटल डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस, तो ये क्या है अवेलेबल है, ये 11 है और बाकी का डिस्टेंस क्या है 0.78, हो जाएगा अवेलेबल 0.781, ठीक। माइनस बाकी ये जो हमारा यूनियन जो है, यूनियन हमारा क्या कर रहा है, छोटे से डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड में क्या करेंगे, सॉरी 4 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कितनी है 0.781, ठीक। 0.781 से वर्क कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, जो छोटे से डिस्टेंस पे वर्क कर रहा है इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को भी यहां पे ऐड कर देंगे, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ऐड कर देंगे 781/5, ठीक। इसका जो तो हम कैलकुलेट करते हैं, तो मेरे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है, इसकी वैल्यू आती है मतलब 35.6 किलोमीटर में। आप यहां पे देख सकते हैं इसकी जो वैल्यू आई थी 34.375 आई थी, इसकी वैल्यू आ गई 35.6, 34 यहां है 36 या 35 का कोई नहीं मिलेगा 35.6। तो हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि बेंडिंग मोमेंट के केस में क्या हो रहा है, यहां पे हमारा यूनियन है, तो बेंडिंग मोमेंट के केस में जब भी हमारा यूनियन होता है तो हम क्या करते हैं, हम पैराबोला बनाते हैं। हम यहां क्या करते हैं, रफली फ्री हैंड क्या करते हैं, पैराबोला बनाते हैं, ये हमारा क्या है, बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं अगला नंबर बताता हूँ। सिंपली सपोर्टेड बीम के दोनों एंड्स पे क्या है, दोनों एंड्स पे सेम लोड का यूनियन लग रहा है, तीनों का जो डिस्टेंस है वो
नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? तो फाइंड सीएफओ।
पार्ट बाय 2 कितना आ जाएगा 4 वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 की सेम शियर फोर्स डी पे तो सी तक का लोड कितना है सी तक का लोड हमारा कितना है सी तक का शियर फोर्स का लोड कितना है 0 तो ये डी पे भी क्या हो जाएगा डी पे भी हमारा हो जाएगा 0 की लोड ये लोग तो थोड़ा आउट टाइप का था इसलिए मैं सोचा कि आपको बता देता हूं अब उसके बाद डी के बाद हम क्या देखते हैं शियर फोर्स ए पे देखते हैं तो डी तक तो क्या था हमारा डी जब 0 था तो 0 को हम ऐसे ही लिख देंगे माइनस 0 को लिख देंगे माइनस कितना लोड लग रहा है 2 मल्टीप्लाईड बाय 2 वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 4 किलो न्यूटन आप चेक कर सकते हैं इसकी वैल्यू आ रही है माइनस 4 किलो न्यूटन और यहाँ पर वैल्यू क्या है 4 तो इस तरह से हमारा आंसर बिल्कुल सही है अब बात आती है शियर फोर्स डायग्राम बनाने की तो इसकी वैल्यू प्लस में है ये प्लस में है ये प्लस में है माइनस में है यानी आधा डायग्राम ऊपर बनेगा आधा डायग्राम नीचे बनेगा उसी हिसाब से हमको स्केलिंग करना होगा कि हमारा डायग्राम डिस्ट्रीब्यूट होगा ठीक है इसका सर वैल्यू आता है ये क्या है ये 4 है प्लस में 4 के बाद 0 फिर 0 के बाद 0 फिर माइनस इसको हम कैसे ड्रा करेंगे जब भी शियर फोर्स के डायग्राम में यूनियन आता है तो क्या करते हैं दोनों लाइंस को सीधी तरीके से जोड़ देते हैं बीच में कुछ भी नहीं है तो सीधा है यहाँ पे फिर वाई केस में आएगा ठीक बिल्कुल ये सीधा है क्या बोला मैंने ये आपका निगेटिव और ये आपका पॉजिटिव ये आपका रह गया सीएफ अब बात आता है बेंडिंग मोमेंट का तो बेंडिंग मोमेंट बी पे क्या हो जाएगा बी पे क्या कोई मोमेंट वर्क कर रहा है हाँ वर्क तो कर रहा है टू मल्टीप्लाइड बाय टू वर्क कर रहा है लेकिन जो इसका इंपैक्ट होगा वो बी पर बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा क्योंकि बी पॉइंट क्या है बी स्टार्टिंग पॉइंट है ठीक है इस वजह से इसका इंपैक्ट जीरो होगा तो यहाँ क्या जाएगा जीरो किलोमीटर मीटर बी के बाद आते हैं सी सी पे क्या हो जाएगा तो सी हम जैसे कि आपको बताया कि किसी भी पॉइंट पर मोमेंट जब देखते हैं तो उस मोमेंट का किसी भी पॉइंट पर मोमेंट देखते हैं तो उसके पहले की सारी चीजों को लेके देखते हैं तो सी के पहले क्या लग रहा है सी के पहले दो तरीके के लोड लग रहा है पहला तो ये मोमेंट और दूसरा ये जो आर्डी आर्डी की जो वैल्यू है ये 2 मीटर के डिस्टेंस पे वर्क कर रही है तो पहला हमारा क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी पॉजिटिव और दूसरा तो लग रहा है यूडीएफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 और इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां से ले रहे हैं सी से ले रहे हैं ना इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगी 1 ये कितना आ जाएगा 4 2 8 x में से 4 गया 4 किलोन्यूटन मीटर अब बेंडिंग मोमेंट हम किस पे देखते हैं डी पे देखते हैं तो डी पे बेंडिंग मोमेंट देखेंगे तो ये जो आरडी जो हमारा लोड है ये लोड हमारा किस पे एक्ट करने लगेगा 4 पे एक्ट करने लगेगा तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस जो 2 इनटू 2 का यूडीएल है जो 2 इनटू 2 का यूडीएल है साथ तो ये सी पे एक्ट कर रहा था लेकिन क्या होगा अब ये मैं डी पे ले रहा हूं तो ये डी तक एक्ट करेगा तो 2 प्लस 1 इसकी ये कितना हो जाएगा इसमें 2 और जुड़ जा रहा है 3 हो जा रहा है वैल्यू कितनी आएगी 4 4 16 माइनस 12 कितना आ गया 8 किलोन्यूटन मीटर नाउ बेंडिंग मोमेंट ए पे देखते हैं अगर हमारा न्यूमेरिकल बिल्कुल सही है तो बेंडिंग मोमेंट जो ए पे है वो बिल्कुल जीरो आना चाहिए आप यहां से चेक कर सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा 6 क्योंकि ये जो लोड है वो तीनों पे काम कर रहा है तीनों के डिस्टेंस पे काम कर रहा है माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो रहेगा ये इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी बढ़ जाएगी यहां से 2 2 4 और 1 ये 5 माइनस ये भी तो लोड है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 और इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी 1 सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना आ जाएगा 6 जो 24 हो जाएगा दूना 4 बचे 20 हो जाएगा माइनस 4 कितना आ गया ये 24 और ये 24 कट के 0 आ गया यहां पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो न्यूमेरिकल है वो बिल्कुल सही आ रहा है सारी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में है इसका मतलब डायग्राम ऊपर बनेगा पहले और लास्ट में क्या है ये दोनों 0 है ठीक है इन दोनों को 0 कर देते हैं उसके बाद हमारी जो वैल्यू आई है वो 4 किलोमीटर आई है 4 किलोमीटर यहां पर ड्रा
वाला ये दफनी है उसको पैराबोला बना देंगे। ठीक, बीच में क्या कुछ भी नहीं लगेगा, इसको हम डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर पैराबोला बन जाएगा। ठीक, ये हमारा हो गया सीएफ बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एक और अच्छा नंबर निकाले, इसको भी बता देते हैं। Thank you.
Thank you.
क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। इस पॉइंट को हम फिर से मान लेंगे पॉइंट हमारा जीरो, ये पॉइंट हम जीरो मान लेंगे और यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होगी वो कुछ मैक्सिमम होगी, ठीक है। अब आ जाता है बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट हम बी पे, बी पे हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, सत्रह हो जाएगा। बी पे
पॉइंट फाइव मल्टीप्लाइड बाय 4.0 माइनस जब 10 किलोमीटर मीटर का लोड लगा उसको डिस्टेंस पर लगा 4.05 मिलेगा। बोले 4.05 का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी लगभग लास्ट में 77.5 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए अब इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट में करते हैं। चलिए काफ़ी आसान है, मेरे कलर उस पर आते हैं, देखते हैं आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नया है और नया कॉन्सेप्ट पढ़ाने में काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। इस तरह का कुछ न्यूमेरिकल है, तो अगर इस तरह का न्यूमेरिकल एग्जाम में कहीं आ जाता है या फिर कहीं भी आ जाता है, तो इस तरह के न्यूमेरिकल को पहले हमें सॉल्व करना होता है कि ये क्या हो गया भाई, ये चीज क्या है। तो हम बताते हैं इस तरह के न्यूमेरिकल्स को पहले क्या करके आप रीड कराते हैं। तो इस टाइप का जो मेटर नहीं आता है, देख रहे हैं 30 किलोमीटर का
ये फोर्स को ऊपर ले जा रहा है, ऊपर अगर बीच में कुछ भी हो तो बीच में सीधा आएगा।
ये बीम है, बीम पे लग रहा है कि ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, इस तरह रोटेट कर रहा है।
वैल्यू आ जाएगी 28.8। इस तरीके से आपको दो वैल्यू प्राप्त हुआ, पहला वाला तो 46 और दूसरा 28। तो हम समझिए 46 यहाँ पे लिख देते, ये वाला क्या 46.8 और दूसरा वैल्यू ये क्या है 28.8। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जीरो जो है जीरो के बाद हम किस पे जाएंगे, जीरो के बाद हम जाएंगे सीधे के सीधे हम जाएंगे जीरो के बाद इस पे जाएंगे। हाँ एक चीज और आपको बता दूँ, जैसे मैंने ए पे डायरेक्ट जीरो लिख लिया था, लेकिन अगर आपको निकालने का शौक है तो आप यहाँ निकाल सकते हैं। देखिए जरूरी से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15.6 मल्टीप्लाई बाय 3, 2, 5। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इस तरह का न्यूमेरिकल आ जाता है तो इस तरह के न्यूमेरिकल को आपको बिल्कुल ही करना होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। और इस तरह का न्यूमेरिकल आता है तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि करना किस तरह, इसमें क्या होगा, लेकिन इस तरह के न्यूमेरिकल काफ़ी ईजी होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं जस्ट बिफोर का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये जस्ट बिफोर का कॉन्सेप्ट है। हम आपको इस तरह के और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे जिससे जस्ट तो ठीक है स्टूडेंट्स।